सदाप में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट शेक, जो कि गर्मियों में बहुत ही लोग पसंद करते हैं। आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चिल्ड 250 ml मिल्क लेना है। हर्षले का हमने चॉकलेट सिरप लिया है। 1/2 tablespoon कोको पाउडर लिया है। अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आपको जो भी चॉकलेट पसंद हो वो चॉकलेट लेके आप उसको छोटा छोटा क्रश करके डाल सकते हैं। 1/2 spoon हमने ये कॉफी पाउडर लिया है। 2 tablespoon हमने शुगर पाउडर लिया है। वनीला आइसक्रीम लिए है हमने 2 tablespoon और क्रश करी हुई हमने आइस ली है। आइए चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपना चॉकलेट शेक। सबसे पहले हम अपने पॉट में अपना ये जो मिल्क है वो डालेंगे। उसके बाद हम अपना कॉफी पाउडर डाल देंगे जो हमने 1/2 tablespoon एंड 1/2 tablespoon लिया है। आप चाहे तो इसे ना डालें, ये ऑप्शनल भी है। उसके बाद हम चोको पाउडर 1/2 tablespoon डाल देंगे। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो थोड़ा हार्ड दे सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा लाइट ही यूज करें। साथ में हम अपना ये शुगर पाउडर डाल देंगे और हम अपनी ये आइस जो हमने क्रश करके रखी है उसे डाल देंगे। थोड़ी सी आइस हम बाद के लिए बचा लेंगे। और इसमें हम अपनी 1 tablespoon आइसक्रीम डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 1 tablespoon डाली है। बाकी थोड़ी आइसक्रीम मैंने अपनी लास्ट में गार्निशिंग के लिए बचा ली है। आइए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले हमें थोड़ा सा चलाना है, फिर इसे बंद कर देना है, फिर एक बार हल्के चलाना है। देखिए हमने 1 मिनट तक इसे मिक्स कर लिया है। अच्छा सा ये झाग बन के रेडी हो गया है हमारा चॉकलेट शेक। आइए चलिए हम अपने ग्लासेस को ये जो हमारा चॉकलेट सिरप है इसे डेकोरेट कर लेते हैं। आप रैंडमली अपने ग्लास में चॉकलेट को कैसे भी डालें, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो ना भी डालें, ये तो मैं डेकोरेशन के लिए इस पर डाल रही हूँ। देखिए हमने अपने ग्लासेस को चॉकलेट सिरप से अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। इसके बाद हम अपना जो चॉकलेट शेक है उसे इसमें पोर कर देंगे दोनों ग्लासों में। उसके बाद क्या कहते हैं, हम अपनी आइस को जो क्रश करी हुई है उसे डाल देंगे। आप चाहें तो ना भी डालें, पर इस समय गर्मी का मौसम है तो जितना ही ठंडा ठंडा हम जो भी पीते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी क्रश करी हुई आइस के ऊपर से भी डाल दूंगी। साथ में हमने जो अपनी 1 tablespoon आइसक्रीम बचाई है उसे उससे इसे ऊपर से ऐसे गार्निश कर देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो चॉकलेट आइसक्रीम भी ले सकते हैं। उसके बाद और इसको सुंदर बनाने के लिए हम ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल देंगे। देखिए हमारा चॉकलेट शेक रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही बेल के बटन को भी पुश करें। अगर आप मेरी आगे और भी रेसिपीज पसंद करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू।